Yes. Deep, deep, deep. ये लीजिए हलवा चाचू, हलवे के जलवे के लिए तैयार हो जाए। नो नो थैंक यू, अब मैं मीठा नहीं खाता। कहीं शुगर वगैरह तो नहीं हो गई? नहीं, मैं बहुत अच्छे हकीम साहब को जानता हूँ, अगर कोई मसला है तो वहां ले चलते। अरे नहीं नहीं, वो जरा सा वेट गेन कर लिया, मैं थोड़ा डाइट पर हूँ। अच्छा बेटा, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं होती? इतने अरसे के बाद तुम आए और सारे खाने तुम्हारी पसंद के बने हैं। देखो मैंने आलू के पराठे बनाए तुम्हारी पसंद के, सब कुछ खाना है तुमने दिल खोल के। और क्या, चलो बिस्मिल्लाह करो, निकालो निकालो। यार तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया, जब अब्बा मियां ने चाचू की शादी की बात की थी, चाचू कितने अजीब से हुए थे। जाहिर है शादी की बात पर कोई भी इंसान ऑकवर्ड हो सकता है। मैं तो आरा को देख रही थी और सोच रही थी जैसे ये बेहोश होंगी मैं इन्हें संभालूंगी। यार तुम लोग समझ नहीं रहे, चाचू इस शादी से खुश नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या मतलब? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आजकल सब यही कर रहे हैं, फिजूल का खर्चा है। बिल्कुल, इससे पहले भी बिजनेस चल ही रही थी ना। अरे भाई आजकल छोटे छोटे बिजनेस जो घरों से कर रहे हैं ना, उनकी मार्केटिंग हम सबसे ज्यादा है। या तुम तो चुप ही रहो, तुम क्या जानते हो हमारे बिजनेस के बारे में? इतने सालों बाद आए और तुम हमें सिखाओगे? भीम आराम से बात करो यार, क्या तरीका है? कौन सा गलत कह रहा? तो कहने दे भाई, ने कहने दे, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। इन्होंने कभी फोन पे मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, जब भी बोला कड़वा ही बोला है। जो कड़वाहट तुम हुसनैन और अम्मा भी की जिंदगी में फैला कर गए थे ना, वही लौट आ रहा हूं। यार आप नहीं जानते मैंने वहां क्या क्या झेला है। आपको अंदाजा नहीं है, वरना ऐसी बात नहीं करते आप। और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोगों ने यहां क्या झेला है? अब्बा भी कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है हर नमाज के बाद बेचारे के आंखों से आंसू टपकते हैं। और अम्मा भी, तुम्हें तो अम्मा भी की बीमारी का भी लिहाज नहीं, रोज जीती थी मरती थी इस उम्मीद से कि उनका बेटा वापस लौट आए। और हुसनारा, उस बेचारी की तो जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। इस उम्र में जब उसके जवान बच्चे होने थे, अब भी बेचारी शादी करने के लिए तड़प रही है। अब बात निकल गई है ना, तो मैं भी आपको बता दूं, मैंने कई सालों पहले हुसनारा को शादी से इनकार कर दिया था। और आने से पहले मैंने अम्मा बी को साफ साफ कह दिया था कि मैं हुसन आरा से शादी नहीं करूंगा। और अभी मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मैं हुसन आरा से शादी नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। हरगिज़ नहीं। छोड़ो, अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो। छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ ना, क्या हो गया तुम्हें भाई? ये क्या कर रहे हो? सुना नहीं आपने इसने क्या कहा? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये कोई तरीका है? इस तरह तो बात और बिगड़ेगी ना। काम ना हो, भाई है हमारा यार, ऐसे नहीं कर सकते, उसकी भी सुननी तो पड़ेगी। कम से कम उसके जो दिल में है या उसकी तरफ जो बात है वो भी तो हमें जाननी चाहिए। बस कोई गुस्सा नहीं करेगा, आप बैठो, तुम पानी लेके आओ। नहीं भाई, तीन डिशेज होनी चाहिए मेन, बस काफी है। एक कोरमा हो जाए, एक हो जाए कोई बिरयानी या पुलाव, और एक हो जाए कोई फ्राई आइटम, बस। अच्छा हम्म,
अच्छा फिर मैं ऐसा करता हूँ कि घर के लोगों से मशवरा करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी तो वक्त है ना हमारे पास। ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग जल्दी आ गए ऑफिस से? अब हम ये काम से निकले थे, घर करीब था तो हमने सोचा घर ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी अगर ऑफिस जाते तो बंद करने का टाइम हो ही जाता। अच्छा किया। अच्छा अजीम बेटा, तुमसे मुझे ज़रा बात करनी सी। तो तुम्हारी शादी के सिलसिले में जो मेन्यू है ना, उसके आइटम्स डिस्कस करने से। मियाँ अभी बहुत थका हुआ मैम, बाद में बात कर लें, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है। असल में अब मियाँ वो चाचू को ना जेट लैग हुआ है, अब बाहर रात है यहाँ दिन है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। समझ गया मैं। चलो ठीक है बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। क्या डिसाइड हुआ खाने का भी? बेटा मैं तो ये सोच रहा था कि 3 मेन आइटम होने चाहिए और बस, लेकिन हाजी साहब मजीद है कि 5 हो। 3 तो मैंने जो बताए वो, और 1 कह रहे हैं बारबेक्यू हो और 1 कोई फ्राइड आइटम हो। हाजी साहब को तो पता ही है अब्बा मियां आपको, हर दफा ऐसे ही करते हैं। देखिए वो जो मांग रहे हैं उनको कर देते हैं, बजट उनका है, उनकी मर्जी है ना, आप परेशान मत हो, सब हो जाएगा। चल जैसे तुम चाहो। अम्मा भी आपने बुलाया मुझे? हाँ रास्ता आओ, आओ आओ बैठो। ये देखो मैंने अजीम की बरी के लिए कुछ चीजें संभाल कर रखी हुई थी, अब देख रही हूँ तो मुझे तो सब कुछ बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। तुम जरा अच्छी तरह से देख कर बताओ कि क्या करना है। अरे नहीं अम्मा भी, ये तो बहुत प्यारे जोड़े हैं, और पता है आजकल सब लोग ना पुराने फैशन की तरफ जा रहे हैं, और ये इतना खूबसूरत है, पॉलिश करवाएंगे ना तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये भी देखो, ये भी कितना प्यारा है। वैसे अम्मा भी आपको ना ये मुझे देना चाहिए था। मोहब्बत सतरंगी, पीर और मंगल, रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका रसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है, और हर गद्दार की सजा मौत है।